हेलो दोस्तों, मैं हूँ दिनेश की ओरा, न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। नेपाल से एक न्यूज़, वहाँ पे फेडरेशन ऑफ नेपाल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उन्होंने नेपाल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आपका जो लॉकडाउन 14 जून तक बढ़ाया गया है, इसको ख़त्म कर दिया जाए। और कहीं ना कहीं अब जब इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन को पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया एक तरह से, यानी कि ऑन द पेपर है, अदरवाइज अनलॉकडाउन 1 हो गया है। बांग्लादेश में कल पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया गया, वहाँ फ्लाइट्स भी स्टार्ट हो गई हैं। तो उसी की तर्ज पे नेपालीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ने सरकार से ये इल्तिजा की है, रिक्वेस्ट की है कि आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्लीज़ रिज्यूम होने दें और इकोनॉमी को और डिटीरियोरेट होने से बचाएं। ये इस टाइम की ज़रूरत है, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है और उसका कोई बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट सामने नहीं आया है। ना ही सरकार के पास कोई ऐसा सेटअप है हेल्थ का कि जहाँ पर उसका सामना कर सकें, और सिर्फ अगर आप लॉकडाउन एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप सोचते हैं कि उससे कुछ भला हो जाएगा, तो भला होने वाला नहीं है। अब आप 2 महीने कर चुके हैं, तब उसको ख़त्म कर दीजिए, फ्लेक्सिबल हो जाइए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रिकॉशन लेने के बाद, हेल्थ की गाइडलाइंस के बाद आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ आप एक्सटेंड ही करते जाएंगे आंखें बंद करके, तो इस देश का भला होने वाला नहीं है। लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि 4% से ज़्यादा GDP के अंदर गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। पिछले 2 महीने में हज़ारों लाखों लोगों के जॉब्स जा चुके हैं, इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, बल्कि कोलैप्स पे आ गई देखा जाए तो। और आप इस टाइम इसको और रिज्यूम मत कीजिए और आगे मत बढ़ाइए, और जो हमारे पड़ोसी देशों में भी हो रहा है, इंडिया बांग्लादेश के अंदर, उससे सीख लेते हुए आप तुरंत ईज डाउन कीजिए और हेल्थ की गाइडलाइंस के साथ पूरी इंडस्ट्री को, पूरे बाजारों को, मार्केट्स को ओपन करने दीजिए। मैसेज तो बहुत अच्छा है, अब डिपेंड करता है कि प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली उसको कब फॉलो करते हैं, कब उनकी बात मानेंगे, क्योंकि चैम्बर ऑफ कॉमर्स काफ़ी बड़ी हस्ती है वहाँ पर। इंडिया के अंदर भी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इसी ढंग से फेडरेशन ऑफ बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है बांग्लादेश में, तो यहाँ पे फेडरेशन ऑफ नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। इनका बहुत वेट होता है, सारे इंडस्ट्रीस्ट इसके अंदर होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं उसका सरकार के ऊपर असर तो पड़ना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। तो देखते हैं, जो भी डिसीजन आएगा सरकार का पता लग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल को मेल्ट डाउन करके ईज डाउन में जाना पड़ेगा, ज़रूरत भी है, ताकि लोगों की तकलीफें कम हो सके। कोरोना के साथ तो जीना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।